हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना तो हम सुबह से कर रहे हैं और ना ही कर रहे हैं दोपहर से, बल्कि कर रहे हैं शाम से। शाम के 5:30 बजने वाले हैं तब आज ब्लॉग शुरू हो रहा है, क्योंकि इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वीडियो आप लोगों के पास भेजा उसके बाद तुरंत आ गए हैं कुछ बनाने के लिए। कुछ क्या, इस समय घर में जो है पूजा का माहौल है, तो बनाने जा रहे हैं प्रसाद, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं और नहाकर हम आ चुके हैं। उसके बाद चलिए प्रसाद बनाते हैं। और आज प्रसाद में हम बनाएंगे सूजी के लड्डू और बनाएंगे नारियल का पाग। तो चलिए प्रसाद बनाने की तैयारी करते हैं। और जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है तब तक कुछ ना कुछ रोज तो प्रसाद के रूप में बनता ही है। तो पंजीरी तो बन चुकी है कई दिन, तो आज हमने सोचा पंजीरी की जगह हम लड्डू बनाते हैं सूजी के। तो वही हमने सूजी को छान के रख लिया है और यहाँ पर मेवा को जो है काट लेते हैं, जो कुछ भी था हमारे पास। और कढ़ाई में हमने डाल दिया है घी। घी जब हमारा हल्का सा गर्म हुआ था तभी हमने इसमें जो है कटी हुई मेवा डाल दी है। तो थोड़ा सा इनको भून लेंगे और ये देखिए जो किशमिश होती है कितना ज़्यादा फूल जाती है। और हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, और इससे इनका स्वाद ना बढ़ जाता है। और हो सकता है दुकानों में कई दिनों की रखी हुई होती है तो हल्की सी जो महक होती है वो भी चली जाती है। और फिर उसी घी में हमने सूजी को डाल दिया है और इसको जो है भूनेंगे, क्योंकि सूजी को भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। करीब आधा घंटा से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि बिल्कुल ही धीमी आंच में भूनेंगे तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हलवा हो चाहे पंजीरी हो या लड्डू हो, तो बहुत ही धीमी आंच कर दी है। उसके बाद धीमी धीमी आंच में भून रहे हैं और जब भूनने लगती ना तो खुद ही बहुत ही अच्छी सी महक आने लगती है। तो सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है तो उसको निकाल के रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर बना रहे हैं चाशनी, और आज दूध नहीं था तो हमने जो है मिल्क पाउडर से काम लिया है। और मिल्क पाउडर ले आए हैं, करीब एक कटोरी था, और धीरे धीरे डाल के इसको चलाते जाएंगे। वैसे जब गर्म पानी होता है या चाशनी होती है तो अच्छे से जो है मिल्क पाउडर घुल जाता है, तो यहाँ पर चलाते रहेंगे। और आप चाहे तो लड्डू में मावा भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं हो तो केवल ऐसे ही सूजी के लड्डू बना सकते हैं। और मिल्क पाउडर डालने से ना बिल्कुल मावा वाला स्वाद आ रहा था। और रक्षाबंधन में मंगाई थी जब मिल्क पाउडर की मिठाई बनाई थी, तो वही बचा हुआ रखा था, तो हमने सोचा चलो इसी में डाल देते हैं तो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए दूध तैयार हो गया था, तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। और इसमें हमने डाल दी है कुटी हुई इलायची, जिससे कि बहुत अच्छी महक आ रही थी। तो चाशनी हमारी बनकर हो गई है तैयार। इसमें डाल देते हैं भुनी हुई सूजी, और चाशनी को एक तार की नहीं होने देना है, थोड़ी ढीली ही रखना है। और उसके बाद इसमें ये देखिए थोड़ा सा चलाते रहेंगे तो सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिए हैं कटे हुए मेवे, जो कि हमने भून के रखे थे, और भूनने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। किसी भी चीज़ में अगर हल्का सा भून कर डालो तो उस चीज़ का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। उसके बाद हमको जल्दी थी क्योंकि टाइम हो रहा था, तो इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो हम ले आए थे 2 थाली, उसी में जो है फैला के रखेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और लड्डू हमारे अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर ये देखिए जो बैटर था वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका था। उसके बाद फटाफट से लड्डू बना लेते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से बनते जा रहे थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था बनाने में। और बहुत ही सिंपल तरीके से लड्डू हमारे तैयार हो रहे हैं, कोई भी झंझट नहीं है। और चाहे तो आप दूध मिला सकते हैं, चाहे तो नहीं भी मिला सकते हैं, सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और मम्मी नहीं है आज हमारी, क्योंकि मम्मी गई है मौसी के यहाँ, तो कल परसों तक आएंगी, क्योंकि उनके यहाँ भी कीर्तन है, पूजा पाठ है, तो इसी वजह से वहाँ गई हैं। और ननद जी भी आ गई हैं नहाकर, तो वो भी बनवा रही हैं। और टाइम हो रहा है खाने का, क्योंकि थोड़ा सा आज देर हो गई है, तो इसके बाद हमको खाना भी बनाना है। और उधर जो है मंडली आ चुकी है बच्चों की, बच्चे तो शाम से ही आ जाते हैं, जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती है खाना पीना खाकर चले आते हैं। तो ये देखिए लड्डू भी बन गए, और उसके बाद हमको एक चीज़ और भी बनानी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो आपको फोड़ के दिखाते हैं, बिल्कुल ही मुलायम लड्डू बने हैं हमारे।
और उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं नारियल का पाग, जो कि गरी आती है सूखी वाली, उसका पाग बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चाशनी रख दी है और चाशनी हम वैसे बनाएंगे जैसे कि हम शकर पारे की बनाते हैं। और जो गरी होती है ना सूखी वाली, उसको हमने पतला पतला सा काट लिया है। उसके बाद जब चाशनी हमारी तैयार हो गई है एक तार की, उसके बाद इसमें हमने डाल दी है गरी। और ये जो पाग होता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और ऐसे तो कोई गरी खाता नहीं है, मगर आप अगर ऐसे बनाएंगे ना तो सब लोग मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ज़रूरी नहीं कि प्रसाद के रूप में ही बनाएं, घर में रखी हुई है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पाग है चलाते चलाते बनकर हो गया है तैयार। तो गैस हमने बंद कर दी है, उसके बाद इसको जो है निकाल के रख देते हैं। और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी जब प्रसाद के रूप में सबको दिया जा रहा था। तो यहाँ पर हमारा प्रसाद बनकर हो गया है तैयार और हम इसके बाद फटाफट से खाना बनाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब कुछ नया बनाकर सबको खिलाओ, और मज़ा भी आता है बनाने में और सबको खिलाने में। तो यहाँ पर प्रसाद तैयार हो चुका है, आप लोग भी आइए भोग लगाइए आकर, लेकिन रुक जाइए पहले भगवान को लगा दें तब आइएगा आप लोग। तो यहाँ पर प्रसाद तैयार हो गया है, शाम की पूजा होगी तब भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने बनाई थी लौकी की सब्जी और उसके बाद फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और सब लोग तैयार होने लगे हैं, क्योंकि जिसको जो कुछ करना है तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस समय, बिल्कुल हरा भरा सा माहौल है। और जैसे ही शाम होने लगती है वैसे ही फटाफट से सारे काम करने लगते हैं, और थोड़ा सा इस समय काम जल्दी भी हुए जा रहे हैं। आज थोड़ा सा देर हो गई है, तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद यहाँ पे बर्तन भी धुल रहे हैं और उधर तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे। और सारे काम हम पहले ही निपटा लेते हैं, जैसे ही खाना पीना होता है वैसे ही लग जाते हैं सारे काम निपटाने में, क्योंकि रात के 11-12 तो वैसे ही बच जाते हैं। तो पहले अगर काम कर लो तो फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं, सारे काम लगभग हो चुके हैं हमारे। और ये देखिए आज हमारे घर में भूतों का डेरा आ गया है, इतने ज़्यादा भूत आए हैं हमारे घर में। आप लोग डर तो नहीं रहे हैं? अगर डर रहे हैं तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पर भूत तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है तांडव होगा, जो काली माता है वो आज तांडव करेंगी और भूतों का करेंगी सर्वनाश। तो आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी छोटू सी जो भूत है, ये देखिए कैसी लग रही है छोटू सी भूत, जरूर बताइएगा। और पहले तो ये बहुत ज़्यादा डर रही थी इन लोगों को देखकर, तो इनके बाबा ने साफ मना कर दिया था कि कोई भी भूत वगैरह नहीं बनेगा। लेकिन ये जब इन्होंने देखा कि सिर्फ कलर लगाए जा रहे हैं या पाउडर लगाया जा रहा है, तो फिर कहने लगी नहीं हम भी बनेंगे, हम भी छोटा सा भूत बनेंगे। तो ये देखिए काली माता जो है आ चुकी हैं और अब करेंगी भूतों का सर्वनाश। तो ये जो भूत हैं इन्होंने सबको परेशान करके रखा था, तो महाकाली आज उतर कर आ गई हैं और सबको एक तरफ से सजा देती जा रही हैं। और ये देखिए ये छोटू सा भूत तो है, इसको तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, काली माता भी इनसे जो है प्रसन्न हो गई है और इतनी खुश थी ना कि आज हम भूत बने हैं। तो बाबा को पापा को सबको डरा रही थी, और इन्होंने जो बिब लगाई थी ये बार बार निकल जा रही थी क्योंकि ये बड़ी थी, लेकिन इनको बड़ा शौक है सब कुछ लगाने का। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये छोटू वाले भूत से आप लोग डरे हैं कि नहीं डरे हैं। और महाकाली आ गई है तांडव करने के लिए, क्योंकि इन राक्षसों ने बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया था, तो आज इन राक्षसों का अंत तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो महाकाली है वो आप लोगों को कैसी लग रही है और कैसी कर रही है आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर कम से कम बच्चों के अंदर इतना उत्साह तो होता है कि वो कुछ करते हैं, कैसा भी करते हो, जरूरी नहीं कि अच्छा ही करते हो, लेकिन बिना स्वार्थ के करते हैं, भाव से करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद गाना बजाना हो रहा है, ढोलक बज रही है और यहाँ पर कान्हा को झूला झुलाया जा रहा है। और उसके बाद हो गया है आरती का समय, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सबके साथ ऐसे पूजा पाठ करने में, कितनी भी रात हो जाती है सब लोग रहते हैं साथ में। तो यहाँ पर पापा जी आ गए और सब लोग बारी बारी से आरती करते हैं।
तो उसके बाद आरती हो चुकी है, तो यहाँ पर आरती सबको दी जा रही है और उधर हम लोग कर रहे हैं प्रसाद लगाने की तैयारी। और हमारे एक दोस्त ने लिखा था कि आप लोग प्रसाद में तुलसी का पत्ता नहीं डालते हैं, तो डाला जाता है, तुलसी का पत्ता तो जरूर ही डाला जाता है मेन प्रसाद में। और कभी जब रात हो जाती है या भूल जाते हैं दिन में तोड़ना, तो रात में तो वैसे भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो उस दिन फिर नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पर प्रसाद लग चुका है और चारू हमारी हर काम में बहुत तेज रहती है, सबको प्रसाद लगा के दे रही है और बाहर भी देती जा रही है। तो आप लोग भी आ जाइए प्रसाद लेने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।